ज़्यादातर डेवलपर्स को पता होता है कि रिएक्ट जेएस सीखने से पहले हमें जावास्क्रिप्ट सीखनी है, लेकिन जब बैकएंड की बात आती है तब ज़्यादातर डेवलपर्स नोड जेएस सीखने से पहले एक्सप्रेस जेएस सीख लेते हैं और यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। आप नोड जेएस जाने बिना एक अच्छे बैकएंड डेवलपर बन ही नहीं सकते हैं। ये कुछ इस तरह से हो गया कि जैसे आपने रिएक्ट जेएस सीख लिया, अब आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन गए, बहुत अच्छे डेवलपर। ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। जब तक आप जावास्क्रिप्ट नहीं जानेंगे, आप कितना भी फ्रेमवर्क सीख लें, आप एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर नहीं बन सकते हैं। वैसे ही बैकएंड में होता है। अगर आप नोड जेएस को नहीं जानते हैं तो आप एक अच्छे बैकएंड डेवलपर नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए हमने लॉन्च किया है अपना द कंप्लीट बैकएंड कोर्स विथ नोड जेएस। इसके अंदर हम नोड जेएस के कोर फंडामेंटल्स देखेंगे, कैसे नोड जेएस बिहाइंड द सीन्स काम करता है, नोड जेएस के कोर मॉड्यूल्स देखेंगे और एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी, ये सारी चीजें तो कवर ही करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा नोड जेएस को समझने में। नोड जेएस में मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, क्लस्टरिंग क्या होती है, चाइल्ड प्रोसेसेस क्या होते हैं, प्रोसेसेस क्या होते हैं, थ्रेड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल में इस कोर्स में देखेंगे। तो अगर आप नोड जेएस के मास्टर बनना चाहते हैं, आप एक अच्छा बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं, तो इस कोर्स में अभी इनरोल करिए। जाइए procoder.com पर, आप वहां से इस कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो 26 अगस्त 2024 से पहले देख रहे हैं तो आप कूपन कोड यूज करिए अर्ली नोड, क्योंकि अभी हमारा ये कोर्स लॉन्च हुआ है लेकिन 26 अगस्त के बाद ये लॉन्च ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो जाइए और इनरोल करिए नोड जेएस के कोर्स में।